मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैंने, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, जो शाम के धुले हुए बर्तन थे वो मैंने अभी लगा दिए और दाल भी मैंने चढ़ा दी। अपने लिए गर्म पानी किया है, पापा पहले तो देते गर्म पानी, दो लोग हम घर में गर्म पानी पीते हैं और काढ़ा मेरा बच के रेडी हो गया है। अब दाल चढ़ा दिए तो उसमें तो टाइम लगेगा क्योंकि क्या शाम को भी होती नहीं चटनी। साढ़े 8 हो गए और मैं आज ना अभी किचन से ही फ्री नहीं हुई हूँ। अभी मैंने दूध उबाला है, दूध आया जस्ट अभी और दाल बना रही हूँ। आज मैं दाल मखनी बनाने का सोची थी तो मैंने उस हिसाब से दाल लगाई थी, बट मक्खन नहीं है तो देखूँगी ऐसे ही बनाऊँगी सिंपल दाल, मतलब मक्खन नहीं होगा, बाकी तो बन ही जाएगी दाल। और अचार डाल रहे थे फिर से तो बाहर बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, देखना क्या गंद मचा हुआ। देखो अचार वाले और ये पूरे उसमें गिर गया है और इसमें आम रखे थे और ये मसाले वाले कागज़। तो अभी मुझे ये क्लीनिंग करनी है। सबसे पहले तो ये देखो पूरे उसमें गिर गया है। खाना बना लेती हूँ क्योंकि खाने के लिए लेट हो जाऊँगी फिर। आटा मैंने वैसे पहले लगा दिया था तो इसलिए अब मैं दाल झोंक रही हूँ, चावल चढ़ा कर रखूँगी, उसके बाद मैं ये बर्तन साफ़ करूँगी, बाहर वाली क्लीनिंग करूँगी, जो ये अचार वाले बर्तन हैं सारे उनको हाथों से मैंने अचार को किया है ना, देखो पीलापन सा ही है हल्दी का, ये देखो। देखो कितनी बारिश हो रही है और तूफान आया है। God, oh God, oh God. ये देखो कितना तूफान आ रहा है, पूरी आम की फसल बर्बाद कर दी हमारी, आम बहुत गिर रहे हैं। तो मौसम अभी 2 मिनट पहले जस्ट इतनी तेज तूफान, इतनी बारिश हुई है और अब देखो अब धूप आ गई, बरसात में ऐसे ही मौसम होते हैं। 5:05 हुए अभी और थोड़ी देर पहले इतना तूफान आया ना, मतलब 2 मिनट के लिए इतनी मोटी मोटी बारिश और इतना तूफान, बहुत सारे आम गिरा दिए, ये दिख रहे होंगे शायद आपको भी इधर इधर। तो आफ्टर 2 मिनट साफ मौसम बिल्कुल, धूप लगी लगी नहीं रहा था कि बारिश हुई है और अभी फिर से थोड़ा ख़राब हो गया मौसम,
मैं खेत जा रही हूँ, ये दराटी तो घास काटने, थोड़ा सा गाय के लिए घास, मम्मी भी गए हैं तो फिर मम्मी के पास भेज दूँगी घर, मैं खुद गाय के पास रहूँगी। यहाँ एक मैंगो लग रहा है मुझे पका हुआ, बहुत बड़ा है, ये देखो पक रहा है अभी, हमसे गिरेगी घास के बीच में। वहाँ है दादी के पास, कितने क्वेश्चन आंसर किए तूने लर्न? पाँच ही। वो किए उन्हें ब्रीफ क्वेश्चन आंसर है ना, अभी शाम को पूछूंगी मैं तेरे को, शाम को मैं पूछूंगी, जब मैंने तेरे को इतना टाइम दिया था, एक घंटे का टाइम दिया था मैंने तेरे को, बोला नहीं का क्या मतलब है? क्यों नहीं बोला? मैं तो बोल रही हूँ, जब छः जब से लॉकडाउन लगा तब से बोल रही हूँ बेटू, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। कितना पढ़ रही हूँ फिर भी क्या किया आपको है? कितना पढ़ रही है? ये बड़ी बड़ी एक एक किताब मेरे लिए पढ़ रही है? हाँ। कि अपने लिए पढ़ रही है? पता सच ही अपनी मेकअप और साड़ियों के लिए तो है। साड़ी कहाँ पहनती हूँ मैं? चलो साड़ी तो बात करती रहती है, करवा चौथ में कौन पहनते हैं? एक ही साड़ी तो है मेरे पास नाम की, और जो ये आपको मेरे को पता है, तू लेके आई पीयू ने 100% सच बात बोलियो, बोलियो दोबारा बोलियो। पता नहीं अब मैं बड़ी बच्चा है, इसके पेट में ना चाहिए। किसके पेट में? बच्चा नहीं होता, बछड़ा होता है। गाय बोल रही की था दादी बोल रही बच्ची है, और तो मैं बोलती हूँ लड़का होना चाहिए भाई, लड़का तू नहीं होनी चाहिए। और अब देखो अब क्या कॉमन है, गाय को बोलते हैं लड़का लड़की, लड़की गाय को नहीं मानते बिल्कुल लड़का। हाँ। मेरे को हम यहाँ मानते हैं लड़का। हाँ, इंसानों को बोलते हैं लड़का होना चाहिए, जानवरों को बोलते हैं लड़की होनी चाहिए। चलते हैं, मम्मी तो पहले चले गए थे, मम्मी को मैंने घास निकाल के दे दिया था, वो लेके चले गए थे। उसके बाद पीयू भी चली गई थी और ये मैं गाय के साथ ही यहाँ, अभी बज गए हैं 7:10 और गाय के साथ रहना पड़ता है यार एक को ना, तभी ये मतलब एक जगह पर घास चुगती रहती है। तो मैं बैठी हुई थी तब से, कुछ इसके पीछे भागना नहीं पड़ा देखो, और 3-4 बारिश हुई है और कितनी हरियाली होगी। तो चलते हैं अब घर, प्यास भी लग रही है।